हेलो बच्चों एंड वेलकम अगेन टू डॉक्टर अंकित दुबे केमिस्ट्री इन द प्रीवियस क्लास आई हैड सोल्व द फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस ऑफ केमिकल फॉर क्वेश्चनो आई होप यू हैव डन दैट आल्सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू दियरी लेक्चर्स इफ योर बेसिक्स ऑफ केमिकल कैनेटिक्स आर नॉट क्लियर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन ओके अगला सवाल क्या बोलता है जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन उन्होंने आपको दिया हुआ है जो थ्री स्टेप्स में हो रहा है नोट दैट देर आर थ्री स्टेप है वो सेकेंड नंबर वाला है तो ऑब्वियसली दिस विल बी आवर स्टेप विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन राइट और मैंने आपके लिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखी हुई है इसको आप ध्यान से नोट करके रखेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे क्या कि स्लोएस्ट स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बच्चों ये मैंने आपको ऑर्गेनिक में चैप्टर में भी पढ़ाया SN1 पढ़ाते वक्त और इन जनरल बहुत जगह अप्लाई हुआ है इवन ब्लैक अगर आप बायोलॉजी में पढ़ते हो तो वो भी इसी के है अगर आप देखो तो है सो so, यहाँ पर स्लोए स्टेप जो है उसको मैंने कंसिडर किया टू रेट क्या था मेरा स्लोए स्लोएस्ट स्टेप सेड मेरे रिएक्टेंट्स क्या है एक्स है और वाई टू है

तो ये आपका स्टेप था ठीक है आप देखोगे तो मैंने क्या किया एक्स प्लस एक्स को मैंने टू एक्स ऐसे लिख दिया और मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या सिखाया बच्चों कि जो भी स्टोशोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो यहां पर पावर बन जाता है यानी कि इंडेक्स बन जाता है है ना सपोज यहां पे जैसे कि अगर फोर एक्स होता तो ये एक्स रिस्ट टू फोर हो जाता राइट इस तरह से ना अगर केमिकल इक्विलिब्रियम क्लियर नहीं है तो मैंने

फेयर इनफ एकदम सिंपल हो गया के इंटू के इक्विलिब्रियम ये बताओ अगर कांस्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट है तो वो भी एक नया कांस्टेंट ही होगा उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है मुझे चाहिए ऑर्डर ऑर्डर कैसे डिफाइन किया है ऑर्डर है रेट इज इक्वल टू वट इज द कॉन्स्टेंट इंटू रियक्टेंट्स का जो भी पावर है उसका एडिशन है ना हाफ प्लस वन हाफ प्लस वन कितना हुआ वन पॉइंट फाइव यानी थ्री बाई टू यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये इसको मतलब आप बोल सकते हो कि ना ही सिर्फ नीट जब बल्कि ये ये इवन मेंस के वर्दी क्वेश्चन है बोल सकते हैं डेफिनेटली इसमें क्लिक क्या होना चाहिए आपको पहला तो स्लोएस्ट स्टेप ये तो बहुत इजी है सबको क्लिक हो जाएगा बट दूसरी ट्रिकी चीज जो आपको क्लिक होनी चाहिए इज दैट यू रिमूव द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फ्रॉम स्टेप वन एंड रिप्लेस दैट इन द ओरिजिनल इक्वेशन आई होप एवरीबडी गॉट दिस अगले सवाल पे चलते हैं क्या बोलता है वो डिकॉम्पोजिशन ऑफ ऑस्फिन दी एच थ्री ऑन टन बच्चो एट लो प्रेशर इट्स इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां पर एक बात नोट कर लेना एक बात बहुत अच्छे से जरा नोट कर लेना अगर इफ हाई प्रेशर दिया होता क्या दिया होता इफ हाई प्रेशर वॉज गिवेन तो ये रिएक्शन कैसा होता इफ हाई प्रेशर वॉज गिवेन देन गैस ऑन मेटल जो है ये एक्चुअली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है अब ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है हाइड्रोजन विद प्लैटिनम है ना गैस विद मेटल वाला फंडा या अमोनिया का जब हम लोग अमोनिया बना रहे होते हैं बस प्रोसेस में तो फाइनली डिवाइडेड आयन मोलिबेनम ये सब यूज करते हैं तो गैस और मेटल का जो कॉम्बो है ना आपके जिस सिलेबस में जितने भी वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं क्या फॉलो करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बट रिमेंबर वो सारे रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग हेबर्स प्रोसेस याद करो हाई प्रेशर पे लिखते हैं याद नहीं तो हेबर्स प्रोसेस जाके एक बार देख लो पी ब्लॉक में दिया हुआ है, है ना एक एक ही लाइन है सिंपल से में बट यहां पर क्या बोला यहां पर बोला है लो प्रेशर देखो यहां पर क्या बोला है लो प्रेशर बोला क्वेश्चन को समझो पहले वो बोल रहा है नॉर्मली तो जीरो ऑर्डर होता है बट लो प्रेशर में फर्स्ट ऑर्डर होता है क्या ये बात समझ में आई है ना ओके तो जब आपने गैस का प्रेशर रिड्यूस कर दिया जब आपने गैस का प्रेशर क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया तो अब यू, अब वो ये ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया है ये क्या बन गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया है ऐसा क्यों है वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों कि जब हाई प्रेशर था तो जीरो ऑर्डर और, और लो प्रेशर था तो फर्स्ट ऑर्डर ये इसका रीजन वो आपसे पूछ रहा है तो बहुत ही सिंपल आपको बस डायरेक्ट आंसर मिल गया कि भाई जब हाई प्रेशर था तो जीरो ऑर्डर था और लो प्रेशर है तो फर्स्ट ऑर्डर है ऐसा क्यों है तो ऐसा इसीलिए है कि भाई गैस का प्रेशर बदला तो उसका जो सरफेस एरिया कवरेज था वो भी बदल गया तो दैट इज़ वाई रेट भी बदल गया ऑर्डर बदल गया रेट बदल गया तो यहाँ पर कैसा है कि रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया कवरेज ऑफ द गैस थोड़ा ज़रा दिमाग लगाओ जब मैंने कहा कि हाई प्रेशर है

तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है जितना आप आइडियली चाहते थे उतना एरिया कवर नहीं हो रहा है जो कम एरिया कवर हो रहा है तो आपका रेट जो है या ऑर्डर जो है वो बदल रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज़ द रेट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ द मेटल दैट इज कवर्ड बाय द यस इज दैट अंडरस्टूड है ना और ऑनेस्टली अगर आप बाकी सब रिएक्शन ऑप्शन देखो तो वो एब्सर्ड है रेट उल्टा तो नहीं हो सकता टू एरिया ऑफ कवरेज ये रॉन्ग है रेट इज इंडिपेंडेंट हाँ हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता अगर बहुत हाई प्रेशर है तो ये सी फिर राइट right हो जाता ना हाई प्रेशर पे जीरो क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वो कोई कोई ऑर्डर फॉलो ही नहीं कर रहा समझ रहे हो तो सी राइट right हो जाता इसलिए मैंने ये लिख के दे दिया कि गलती से अगर उन्होंने आपके नीट एग्जाम में इसको लो की जगह हाई करके दे दिया तो आंसर एक ही जगह क्या हो जाता बच्चों सी हो जाता क्या ये बात आई होप समझ में आ गई सबको चलो वेरी गुड अगले सवाल पे जाते हैं क्या बोलता है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए टू बी इज गिवेन एज रेट कॉन्स्टेंट यानी कि आपको के की वैल्यू दी हुई है इफ द ऑफ ऑफ ए इज इज देन बी आफ्टर मिनट्स अब यहां पर अगेन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या दिमाग लगाना है जरा देखो आपको यहाँ पे मैं भी यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक दे इसकी एक क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन की एक ट्रिक दे देता हूँ ट्रिक क्या है या हिंट बोल सकते हैं ट्रिक नहीं बोलूंगा मैं मैं बोलूंगा हिंट मैं आपको एक हिंट देता हूं आपसे क्वेश्चन दो सेकंड में सॉल्व हो जाएगा हिंट क्या है ध्यान से देखो लुक एट लुक एट यूनिट्स ऑफ के लुक एट यूनिट्स ऑफ के एंड जज द के यूनिट्स को देखो और ऑर्डर को जज करो बात समझ आ रही है हिंट क्या है लुक एट द यूनिट्स ऑफ के एंड जज दर्डर ऑफ द रियक्शन अब यहां पर यूनिट ऑफ के क्या है बच्चों? मोल पर लीटर पर सेकेंड है और मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट से आपको क्या पता चलता है मोल पर पर लीटर सेकेंड है ना अगर पर सेकेंड होता तो आपका फर्स्ट ऑर्डर होता मोल पर लीटर पर सेकेंड है इसका मतलब कि यह कैसा है आपका ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है बच्चों को ये बेसिक चीज नहीं आती उनके लिए मैं थोड़ा सा जरा एक हिंट थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं ऐसे लिख लो यूनिट ऑफ के न? अगर यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकंड है तो ऑर्डर जीरो है अगर यही यूनिट आपका जो यूनिट ऑफ के यही यूनिट ऑफ के अगर आपका सिर्फ पर सेकेंड होता तो ऑर्डर होता आपका फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ठीक है काफी सिंपल और इसको आप डिराइव भी कर सकते हो आपको चाहिए तो दो सेकंड लगते हैं डिराइव करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यही अगर आपका वन अपॉन मतलब कि वन अपॉन मोल पर लीटर पर सेकंड यानी कि पूरा का पूरा इनवर्स होता तो मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ऐसा होता आप नोटिस करेंगे नोटिस करेंगे कि सेकेंड इनवर्स हर जगह आ रहा है बाय द वे बाई द वे तो मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन क्या हो जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर और सपोज ये आपको एंथ ऑर्डर के लिए लिखना होता सपोज सपोज आपको एंथ ऑर्डर मतलब कितना भी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वैसे तो आपको आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ही आता है बता दूं एंथ ऑर्डर के लिए तो एंथ ऑर्डर के लिए काफी सिंपल है आपका मोल और लीटर दोनों यानी मोलारिटी मोल पर लीटर आप ऐसा लिख लो ना तो मोलारिटी कैपिटल एम ठीक है मोलारिटी रेस टू माइनस एन प्लस वन इन टू सेकेंड रेस टू माइनस वन अगर आप एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना मोल रेस टू वन माइनस एन लीटर रेस टू एन माइनस वन ठीक है जब दोनों को आप साथ में लिखते थे तो माइनस एन प्लस वन बन जाता था ठीक है ये इन, ये ये इन जनरल मतलब आपको पता होना चाहिए जनरली इस चैप्टर के बारे में आपको दिस दिस इज समथिंग दैट यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ एज आई मेंशन इसको रटने की कोशिश मत करना है इसको डिराइव करने में दो सेकंड लगते हैं कोई बड़ी बात नहीं ये तो मैं डेरिवेशन भी दिया हुआ है आपको थियोरी के लेक्चर में एक बार देख लेना अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ देखो मैं हर क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन तो आपको दो सेकंड में बस सॉल्यूशन लिख के दे दूं बात खत्म हो जाए ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको थियोरी कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं इसलिए समझा रहा हूँ कि वो आपके दिमाग में बैठे ना सिर्फ आप पीवाई क्यूज को कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा मैं पीवाई क्यू के सारे सोल्यूशन ही रट्टा मार के जाऊंगा ऐसे नहीं होता बेटा आपको समझना है ठीक है ना तो समझो कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो जा रहा है ठीक है इसको अगर आप चाहिए तो 1.5 या 2x स्पीड पर भी देख सकते हो अगर स्लो लग रहा है तो rate constant आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन दी है टाइम दिया है फाइव मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी अब ये बताओ जीरो ऑर्डर है ठीक है अब जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या था ये याद कर लो जरा तो यहां रहा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दी है टाइम दिया है के दिया हुआ है मतलब तो इस चारों में से कोई भी तीन चीज दी होगी एक ढूंढने को बोलेगा बस इससे इजी क्या हो सकता है अब ओवर कॉन्फिडेंस में बताना है कि यहां तो सर हैं फॉर्मूला याद दिला रहे हैं बता रहे हैं फॉर्मूला लिखा हुआ भी है एग्जाम में तो नहीं आएगा ना इसलिए तो बार बार कहता हूँ छह फॉर्मूले दिए कम से कम पांच पांच बार लिख के प्रैक्टिस करोगे लर्न करोगे तब याद रहेंगे आलस करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा ये लो आगे आंसर के दिया है ए का कांसेंट्रेशन स्टार्टिंग में दिया हुआ है मी का ढूंढना है एक्चुअली आपको इसकी भी जरूरत नहीं है एक्चुअली आप देखो तो इस इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है और भी इजी कर सकते हो इसको आप आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आपको चाहिए ना एट टाइम टी मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको चाहिए तो सिंपल दैट इज के इनटू टी कैसे तो रेट क्या था जो भी रेट था वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब इनटू के ऐसा था ना और जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ उतना ही बी का कंसंट्रेशन बना क्योंकि ए ए इज कन्वर्टिंग टू बी मतलब इसके n मोल्स गए तो इसके n मोल्स बने ना सीधी बात है ऐसे सोचना है अपने तो k t कितना वैल्यू 0.6 10 रे टू -3 और इंटू टाइम कितना है ट्वेंटी मिनट्स है इन टू सिक्सटी कर लो तो सेकेंड आ जाएगा तो ये हो गया सीधा टी टू मोलर है क्या ऑप्शन में यस मोलर यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर सिंपली रिमेंबर द फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज के इन टी आफ्टर टाइम टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसे पता चला यूनिट देख के पता चल गया जीरो ऑर्डर था चलो अगला क्वेश्चन फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज टू एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज थ्री अच्छा तो मतलब कि रेट इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा के इनटू विद रिस्पेक्ट टू ए टू है और विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो थ्री है ठीक है टोटल ऑर्डर आपका क्या हो गया फाइव हो गया है ना अब वो बोल रहा है कि भाई नया रेट कब कैसे होगा जब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रेशन ए की कॉन्ट्रेशन को भी डबल करोगे बी को भी डबल करोगे तो ये ए की जगह पे टू ए हो गया टू ए द होल स्क्वायर हो गया और बी को भी आपने डबल किया तो ये टू बी द होल क्यूब हो गया अब मुझे बताओ सिर्फ ये नंबर्स के जो हैं ये स्क्वायर कर लो है कि नहीं तो के इन स्क्वायर और क्यूब जो भी आपको करना है जैसे टू टू झा टू रे टू टू ये फोर हो गया और टू है ना एट फोर इंटू एट और फिर ये ए का स्क्वायर और बी का क्यूब और ए का स्क्वायर और बी का क्यूब ये पूरा टर्म जो है ही अपने पास ये तो ओरिजिनल रेट था तो रेट मैं ऐसे बोल देता हूँ रेट इन केस वन रेट इन केस टू समझ आया? Case one में आया केस वन में ओरिजिनल रेट इक्वेशन ये था और फाइनली जब मैंने डबल किया तो ये बना तो रेट टू जो है वो फोर इंटू एट मानी कि थर्टी टू टाइम्स इंटू रेट वन हो गया समझ में आई बात एकदम आसान यानी कि कितनी बार गुना कितनी गुना बढ़ गया ये सी थर्टी टू टाइम्स इंक्रीज हो गया काफी सिंपल है टू का स्क्वायर और टू का क्यूब फोर इंटू एट थर्टी टू टाइम्स ये इंक्रीज हो गया सिंपल चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इन रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट रेट इज डबल वेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एंड रेट इनक्रीज बाई एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आर डबल रेट लॉ इज बहुत ही आसान क्वेश्चन ठीक है तो ऐसा है देखो ए है, B है rate. इस को पहले लिखना कैसे ये समझो ये सीखो पहले ठीक है अब बोलते हो ये ओरिजिनल रेट है ए है बी है जो भी है ओके जब हम लोग ए को डबल कर रहे मतलब ए को हम लोग टू ए कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ए कर रहे हैं तो रेट बिकम्स समझो मैं बोलता हूं ओरिजिनल रेट तुम्हारी है आर ठीक है मैं यहां लिख देता हूं रेट रेट है आर वन आर वन जब ए है बी है ठीक है मेरा बी जो है वो हार्ट जैसा लग रहा है ना अब ठीक है अब वो बोलता है भाई नई रेट जो है आर टू जो है ठीक है वो डबल है रेट इज डबल्ड वेन बी इज डबल्ड मतलब कि जब तुम बी को टू बी करोगे शेक्सपियर की याद आ गई ना टू बी और नॉट टू बी जब तुम बी को टू बी करोगे तो आर वन भी ट्वाइस ऑफ आर वन हो जाएगा समझे पहले क्वेश्चन को समझो रेट इज डबल वेन बी इज डबल तो बी को डबल किया तो रेट भी डबल हुआ आप बोलोगे ठीक है एंड रेट बिकम्स एट टाइम्स वेन बोथ आर डबल मतलब ओरिजिनल से या ओरिजिनल से तो ये ओरिजिनल से डबल किया ना ऐसे अभी वापस ओरिजिनल से देखो तो ये टू बी और ये टू ए यहाँ पर ए को चेंज नहीं किया था तो ये बिकम्स ए टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्लीज क्वेश्चन को फिर से समझो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ एट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर डबल समझा दोनों को डबल किया ओरिजिनल से फिर से ध्यान में रखना ओरिजिनल से तो रेट लॉ क्या है रेट लॉ क्या है तो जरा मुझे बताओ कि बी के रेशियो में वन इज टू वन चेंज आया देखो वेन बी डबल्स रेट ऑल्सो डबल्स ऐसा बोला मतलब कि जितना चेंज बी में आया उतना ही चेंज रेट में भी आया मतलब रेट और बी का कैसा रिलेशन है वन इस टू वन का रिलेशन है अब ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी है ध्यान से समझो बहुत बच्चों को ये नहीं समझता है वैसे तो है बड़ा सिंपल चीज़ बट पता नहीं क्यों बच्चों को नहीं समझता ध्यान से देखो अगर मैं कहूं बी को मैंने दस गुना किया और रेट भी दस गुना हो गया तो दोनों का रिलेशन टेन बाई टेन वन हुआ ना बी को मैंने डबल किया तो रेट भी डबल हुआ तो टू और टू रिलेशन रे, वन हुआ ना इस तरह से रेशियो जो है वो देखना है आपने वो पूछ रहा है आपसे तो आप बोलोगे ठीक है तो मतलब रेट इक्वेशन में B का कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑर्डर का हो गया ये तो पक्की होगी बात B का कितना के हिसाब से हो गया बोलोगे ठीक है अब A का क्या है तो अब अब तो बहुत आसान है यार कि जब ओरिजिनली यहां पर आठ का फैक्टर चाहिए था और A को आप टू ए करने वाले थे यानी कि यहां पर अगर ए स्क्वायर होगा तो टू टू ज फोर और बी को आप डबल कर रहे थे तो ये फोर जब देगा और ये टू देगा तब जाके आठ होगा इस तरह से अब ये आप बोलोगे बोलोगी क्या कर दिया आपने यार ये तो बहुत शॉर्ट में कर दिया हाँ आइडियली हमको ये शॉर्ट में ही करना चाहिए इसको बहुत सिंपल सी ट्रिक है जैसे कि आप देखो कि फैक्टर आपको क्या चाहिए ए से आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए था चार गुना क्योंकि बी से ऑलरेडी दो गुना मिल रहा है देखो बी से दो गुना मिल रहा है कैसे प्रूव किया कि बी से तो भाई वन का ही फैक्टर था ना तो इसको डबल किया तो बी से भी दोगुना फैक्टर डबल फैक्टर मिल रहा था तो फोर इंटू टू क्यों फोर इंटू टू क्योंकि यहाँ पे एट चाहिए क्या ये बात समझ में आई तो ए से फोर मिल रहा है यानी कि टू ए से फोर मिल रहा है तो टू और फोर का क्या रिलेशन है स्क्वायर तो इसलिए ए के रिलेशन में स्क्वायर बी के रिलेशन में वन यानी कि ऑप्शन ए टू बी यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर है ना अब कुछ बच्चे जो ये सोच रहे कि सर ये तो बहुत ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में कर दिया आपने इसका मेथड बताओ मेथड तो मेथड भी बता देता हूँ यार मेथड भी कुछ बड़ी बात नहीं है आप ऐसे लिख लोगे कि रेट इज इक्वल टू टू के ए एक्स और बी रेस टू वाई तुमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यही है ना ये तो क्वेश्चन है ठीक है तो जब ये मैं बोलता हूँ कि भाई ये टू आर हो गया ये टू आर हो गया ना तो क्या हो जाएगा बोलोगे के, के इन ए रेस टू एक्स और बी की जगह आप टू बी है समझेगी नहीं समझे टू बी रेस टू वाई और ये दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लो आर आर को कैंसिल कर लो ए एक्स ए एक्स को कैंसिल कर लो के ए को कैंसिल कर लो वाई की वैल्यू मिल जाएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी टू एकदम सिंपल सॉरी वाई की वैल्यू आ जाएगी वन और फिर उसको सब्सट्रीब्यूट कर लो आंसर आ जाएगा एक्स का क्या ये बात क्लियर हुई आप दोनों तरीके से कर सकते हो बट उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिर से बता रहा हूँ रेट इक्वेशन की भाई की के इन टू रियक्टेंट्स का concentration to their respective orders. अगर ये नहीं पता तो आगे की पढ़ाई फिर कैसे करोगे है कि नहीं ये सीख लो पहले बहुत सिंपल चीज है फिर से बता रहा हूँ फॉर्मूला लिस्ट स्टार्टिंग में ऊपर लिखी हुई थी देख लो पहले लेक्चर में भी दी थी थियोरी में भी दी है डिटेल में बताइए चल ओके ऑफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन इज सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन हो सकता ये तो सही बात है तो यह तो इनकरेक्ट नहीं है हमें इनकरेक्ट झूठी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट खराब स्टेटमेंट गंदी स्टेटमेंट क्या जो भी बोलना है बोल लो है ना झूठी खराब गलत गंदी जो ढूंढना है वही ढूंढना है हमको ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोशियोमेट्रिक को स्टोशियोमेट्रिक से फर्क पड़ता है से फर्क पड़ता है किसमें आपके जो सिंपल रिएक्शन है, single step reactions है, definitely है stoichiometry से। हर बार नहीं, but yes, definitely अगर आप simple reactions की बात कर रहे हो, तो फर्क पड़ता है सिंगल स्टेप वाले है ना ओके okay. उसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्डर रिएक्शन इज द सम ऑफ टर्म्स या है ना ऑर्डर क्या था कि भाई अगर रेट इज इक्वल टू ए है एक्स बी है वाई और ये के है तो एक्स प्लस वाई दैट इज योर ऑर्डर तो सम ही तो है ये तो डेफिनेशन है ना ऑर्डर का तो ये सही है ये सही है ये सही है, ये सही है मतलब ऑब्वियसली ये आंसर आपका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो दैट इज योर आंसर ये तो बाय एलिमिनेशन आ गया और डी को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑर्डर कैन बी ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव बेसिकली अ फ्रैक्शन आल्सो तो जरूरी नहीं कि वो होल नंबर हो ये गलत दिया हुआ है इट कैन बी अ फ्रैक्शन दैट इज वाई ऑप्शन बी इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड इज का एक ही ढंग का एग्जांपल दिया अगर आप देखो तो वो हाईड का हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, ना? हाईड के का आपको थ्री बाय टू यानी कि वन पॉइंट फाइव ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीआरटी खोल के एक बार जरा जरूर पढ़ लेना बच्चों. Okay.

आप बोलोगे टू वन क्या नहीं भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है rate is equal to one की बात नहीं है तो आपको ऐसे लिखना है ना रेट इज इक्वल टू के ऐसे ही लिखा ना इक्वेशन ये प्रोपोर्शनल टू ये था तो मैंने जब इक्वल टू साइन डाला मैं क्या करूंगा इस तरह से लिख दूंगा आप बोलोगे ठीक है तो मुझे बताओ के के यूनिट्स क्या आ गए जल्दी जल्दी बताओ तो के के यूनिट्स आ गए रेट अपॉन ए रेस टू जीरो अब यहां पर आप वन इसको लिख सकते हो तो यानी कि जो रेट के यूनिट है वही और व्हाट इज रेट रेट मतलब चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेट का मतलब क्या है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम और कॉन्सेंट्रेशन आप जनरली कौन से टर्म्स में मेजर करते हो मोलारिटी यस yes? में बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ एकदम छोटे बच्चों की तरह लिखवा रहा हूँ आप गलती नहीं कर सकते आप लोग बिल्कुल भी नहीं करनी है गलती कहीं पे भी मोलैरिटी मतलब पर लीटर और टाइम मतलब सेकेंड तो क्या होगा मोल सीधा सीधा आ जाएगा लीटर इनवर्स आ जाएगा और सेकेंड भी इनवर्स आ जाएगा यानी कि मोल और लीटर और इनवर्स यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर मैंने अभी आपको टेबल में भी लिख के दे दिया और आपको डिराइव करना भी सिखा दिया सपोज यही आपको डिराइव करना होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करते इसको वन कर देते सपोज सेकेंड ऑर्डर के लिए करना होता क्या करते इसको टू कर देते सपोज एंथ ऑर्डर के लिए करना होता क्या करते इसको आप एन कर देते भाई इससे ज्यादा ईजी हो सकता है क्या नहीं ना बच्चों समझ गए तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सिंपल सवाल ठीक है जैसे जरूरी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो हो इजी भी हो सकते हैं ना बहुत बार रिपीट हुई इसलिए इंपॉर्टेंट है अगला सवाल देखो पूरा टेबल फॉर्मेट में, में, में भी है डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी uh, के पैक में भी है स्टेट बोर्ड के पैक में भी है महाराष्ट्र बोर्ड के हर जगह दी और यही जो मैंने यहाँ पे टेबल आपके लिए लिखा था अगर आप देखेंगे तो मैंने सिमिलर टेबल आपको बना के सिखाया बस यहां पे वर्ड्स में था यहां पे टेबुलर फॉर्म में बस इतना फर्क है देख लो फिर से बोलेंगे ठीक है भाई क्या बोलता है तो जब ए पॉइंट जब ए पॉइंट वन था और बी पॉइंट वन था तो रेट इतना था आप बोलेंगे ठीक है अब जरा यहां पर एक आप हिंट देख लो कि ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन आए तो सर हम कैसे सॉल्व करेंगे तो सर आपको दे रहे हैं एक बढ़िया सा हिंट जिससे आप टेबल वाले ऐसे सारे क्वेश्चन दो सेकंड में सॉल्व कर लोगे और अगर में काम आए तो मुझे एक बाद में थैंक यू लिख देना कि बस या नहीं भी लिखना भला हो जाए तो भी बहुत है है ना चलेगा तो देखो क्या है बोलोगे सर ये काम आएगा देखना हिंट आप ऐसा ढूंढो फाइंड द फाइंड द स्लॉट और दैल्यू वेर At least वन ऑफ द reactants हैज नॉट चेंज क्या बोला मैंने वन ऑफ द reactants हैज नॉट चेंज कॉन्सेंट्रेशन है ना ऐसे लिखना है बच्चों ध्यान से देखना जरा ठीक है मतलब कि अब जैसे यहां पर ये पॉइंट वन था तो यहां पॉइंट थ्री है और यहां चेंज नहीं हुआ तो ये मेरे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए देखो ये वाले पे मैं फोकस करूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ तो तो भी भी बस इतना अगर आपने हिंट पकड़ लिया तो आपके टेबल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आप खुद से देखो अभी प्रूव करके दिखाता हूँ विद इन सेकेंड आपको आंसर आएगा मुझे समझाने में आपको समझाता हूँ तो टाइम लगता है ना कि कैसे सोचना है आपको सोचने में तो फास्ट आप सोच पाओगे है कि नहीं चलो तो पहले फोकस करेंगे कि जब ये पॉइंट वन था और ये पॉइंट वन था तो ये रेट था अब बी में जब कोई चेंज नहीं आया ध्यान से देखना बी में कोई चेंज नहीं आया पॉइंट वन का पॉइंट वन ही रहा ए कहां से चला गया पॉइंट वन से पॉइंट फोर पे आया ए कहां से आया पॉइंट वन, वन, वन मतलब मुझे बताओ बी से कोई बी का कोई कॉन्सेंट्रेशन का कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ उसने कोई अपना कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया यहाँ पे केस वन से केस फोर में जाते वक्त हाँ बोलोगे नहीं सर नहीं किया उसने चेंज क्योंकि बी तो पॉइंट वन का पॉइंट वन ही रहा ना तो इसका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं तो अगर ये पॉइंट वन से पॉइंट फोर हुआ कितने टाइम्स हुआ एक का चार गुना हो गया ना ये फोर टाइम्स हो गया बरबर है ये कितना हुआ फोर टाइम्स हो गया देखो दिमाग लगाओ तो ये सिक्स का कितना हुआ सिक्स का ट्वेंटी फोर हो गया अब बोलोगे सर टू पॉइंट फोर दिया लेकिन ये देखो ये टेन इंस टू माइनस थ्री और माइनस टू है तो ये सिक्स और ये ट्वेंटी फोर है देखो जरा अब बोलोगे हाँ सर तो ये भी तो फोर टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया बस आंसर आ गया आपको एकदम ईजी कि मतलब जब ए चार गुना बदला तो रेट भी चार गुना बदला अब ये आ गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह समझ में आ गई बात है कि नहीं तो ए का चार गुना चेंज रेट में भी चार गुना चेंज लाया मतलब a के रिस्पेक्ट में पावर है 1 तो यानी कि b और d में से आंसर है पहले मैंने 50 50 खेल दिया क्लियर हो गई बात हाँ बोलेंगे सही है तो a के रिस्पेक्ट में मेरे को पावर मिल गई 1 ऑर्डर मिल गया 1 ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया आई होप ये समझ में आएगा मैं फिर से बता रहा हूं यहां पर ये चेंज आया पकड़ो उसको पकड़ो उस केस को उस वैल्यू को जहां पर कोई एक रिएक्टेंट फिक्स रह रहा है जैसे मैंने इधर बी को पकड़ लिया फर्स्ट से फोर्थ तो जो भी चेंज था तो 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 ये ये फोर फोर टाइम्स टाइम्स हुआ भी है मतलब यानी कि अब पकड़ो इस केस को देखो थ्री टू थ्री मतलब यहां पर ए का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है यहां पर ए का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ध्यान से देखना आप बोलोगे हाँ सर नहीं है और ये देखो टू टू फोर यह दो गुना हुआ कितनी गुना हुआ ये टू टाइम्स और ये सेवनटी टू से हुआ टू एटी एटी से ट्वेंटी देखो फिर से से ट्वेंटी तो हो गया कितना हुआ चार गुना हो गया मतलब ये टू टाइम्स और ये फोर टाइम्स तो स्क्वायर हुआ ये दो और ये चार यानी कि स्क्वायर तो b के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ पे a का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था क्यों क्योंकि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया देखो हाँ बोलो यार सर ये तो ट्रिक तो मजा ही आ गया है कि नहीं तो ये हो गया B के रिस्पेक्ट में स्क्वायर आंसर आ गया बच्चों कितना सेकंड लगा अगर आपको एक्चुअली मैं सोचने के लिए छोड़ दूं तो आप पांच सेकंड में सोच के इसका आंसर दे दोगे कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन डेली यानी कि डी क्या ये बात सबके भेजे में चली गई एकदम अच्छे से सिंपल तरीके से बहुत बढ़िया ओके ध्यान से देखो चलो अगला सवाल क्या बोलता है तो एन लिया मतलब बी को नहीं बदला वही हुआ ना जो पिछले क्वेश्चन में बताया भाई बी को सेम रखा ए को डबल किया तो रेट रेट भी डबल हो गया चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अटेम्प्ट करो सारे लोग चाहे तो वीडियो पॉज कर दो और खुद से अटेम्प्ट करो मुझे पता है आप पांच सेकंड में सॉल्व कर लोगे और कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों मतलब एक के रिस्पेक्ट में चलो ठीक है एक के रिस्पेक्ट में अगर डबल डबल खेल रहे हैं डबल है ये भी डबल है ये भी डबल है मतलब कि टू टाइम्स टू टाइम्स मतलब कि रेशियो एक के रिस्पेक्ट में कितना है एक के रिस्पेक्ट में वन है एकदम बढ़िया एक के रिस्पेक्ट में वन है और बी के रिस्पेक्ट में क्या है तो जरा बी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं अगला सेंटेंस अगर ए और बी दोनों को चेंज करें तो फैक्टर एट अरे तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बी का क्या आ जाएगा स्क्वायर मतलब ए का वन और बी का टू यानी नाइनटीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एज योर करेक्ट आंसर आई एम वेरी श्योर सबको आ गया होगा ये और दो सेकंड में आंसर आने से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कॉन्फिडेंस में जाना ठीक है बढ़िया चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी आंसर ये याद रखना जितना आपको डराएगा वो क्वेश्चन उतना आपको ट्रस्ट मी आंसर बहुत इजीली मिलने वाला है ध्यान में रख लो ये बात क्या बोलता है वो भाई ब्रोमिनेशन किया है एसीटोन का आपको पता है ये क्या सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री एसिटोनशन किया ठीक है आपके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ब्रोमिन से और कैनेटिक डेटा आपको दिया है क्या भाई इतना समझो इसको आप ए मान लो इसको आप बी मान लो और इसको आप सी मान लो ठीक है ना इस तरह से मतलब कि ये दोनों रिएक्टेंट थे आपके और ये प्रोडक्ट्स में से कोई एक उठा के आपको दिया हुआ है और वो ये बोल रहा है कि इस डेटा के ऊपर डेटा के बेसिस पे इस पूरे डेटा के बेसिस पे आप बताओ कि इस इक्वेशन इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट इक्वेशन क्या है ये अच्छा सवाल है इसको स्टार वाक करके रखना ठीक है जस्ट बिकॉज ये बड़ा है इसलिए बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बाकी बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है मजाक क्वेश्चन है देखो जरा ऑब्जर्वेशन करो ऑब्जर्वेशन वो क्या बोलता है कि जब मैं ब्रोमीन के रेट को डबल करूंगा आप बोलोगे सर आपने ब्रोमीन क्यों पकड़ा तो भाई देखो इसको मैं केस वन केस टू केस थ्री केस फोर बोल देता हूँ तो ये सेम रखा देखो एसिटोन सब केस में सेम रख रहा है मतलब मैं उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन बदल नहीं रहा हूं तो कौन चेंज ला रहा है कौन ला रहा है चेंज ब्रोमीन ला रहा है अच्छा ना ही मैं प्रोडक्ट का कुछ बदल रहा हूं कुछ नहीं बदल रहा कौन चेंज ला रहा है ब्रोमिन ला रहा है देखो ब्रोमिन कितना हुआ पॉइंट जीरो फाइव से पॉइंट है मतलब क्या बोल सकता हूँ टू टाइम्स हो गया बोलो हाँ ना अच्छा क्या ये बोल सकते हैं कि टू टाइम्स हो गया है ना और जब ब्रोमिन डबल हुआ था तो रेट में तो कोई बदलाव आया ही नहीं देखो जरा अब बोलोगे हाँ सर ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है मतलब कि ब्रोमीन को डबल करने से ध्यान से सुनना ठीक है नोट देखो ध्यान से इन दिस केस डबलिंग ऑफ ब्रोमीन डबलिंग ऑफ ब्रोमीन वी आर टू कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज द रेट बरोबर बोल रहा हूं डॉट चेंज द रेट यानी कि ब्रोमिन से कोई तंबुरा फर्क नहीं पड़ा रिएक्शन के रेट को ब्रोमिन से तमबुरा फर्क ही नहीं पड़ा रिएक्शन के रेट को आंसर आ गया ब्रो आंसर आ गया एकदम पप्पी आंसर आ गया मजेदार आंसर आ गया देयर फॉर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमिन ऑर्डर इज कितना बताओ ऑर्डर इज जीरो क्योंकि ब्रोमिन कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहा है विच मीन्स ब्रोमिन शुड नॉट बी देयर इन रेट इक्वेशन क्या ये बात समझ में आई बोलो हाँ या ना। जब ब्रोमीन के रहने ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या ब्रोमीन को इक्वेशन में होना चाहिए नहीं तो इसीलिए ब्रोमीन को इक्वेशन में नहीं होना चाहिए और अब कोई अंधा बच्चा भी आंसर दे देगा अगर आप ऑप्शंस देखोगे चारों में से कौन सा एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है जिसमें ब्रोमीन नहीं है रेड इक्वेशन में यहाँ पे ब्रोमीन है यहाँ पे ब्रोमीन है यहाँ पे ब्रोमीन है तो आंसर क्या है ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर क्या मस्त बजेदार क्वेश्चन बोलो हाँ या ना इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कॉमन सेंस क्या लगाना है कि देखना अच्छा ये चेंज, ये चेंज नहीं हुआ ये चेंज नहीं हुआ ये अकेला चेंज हुआ इसने कितना चेंज लाया तंबूरा कोई चेंज नहीं लाया कुछ चेंज नहीं किया इसने इसीलिए रेट जीरो इसके रिस्पेक्ट में यानी ब्रोमीन नहीं दिखना चाहिए रेट के इक्वेशन में यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों तो यहां तक हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए आगे के क्वेश्चन अगले सेशन में तब तक के लिए एज यूशल पढ़ते रहो बढ़ते रहो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग